हाँ जी हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपना टॉपिक है तुहाडे पास ग्राफ्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस। सो ये ग्राफ हर बंदे नूं आने चाहिए हैं तुहाडे कोल, जिहड़ी मर्जी क्लास चों, 11 चों, 12 चों, बीएससी चों, केसेस भी हो। तो ग्राफ के नाल नाल मैं उसकी डोमेन रेंज लिखी जाऊँगा, बहुत वड्डा वीडियो नहीं होएगा, ठीक है। हौली हौली ग्राफ्स कवर करते रहोंगे, सिर्फ 5-6 मिनट का वीडियो के 3-4 ग्राफ डिस्कस हो जाए, जब तुम वेल मिले तो 5 मिनट तुम देख लो तो काम थोड़ा सर जाना। सो अगर मैं वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा, इक्वल टू एक्स स्केयर लिखा, अब वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, चाहे थोड़ा कला वाई इक्वल टू एक्स स्केयर आ जाए, चाहे कला तुहाडे पास एफ एक्स इज इक्वल टू, ये सेम स्टोरी हैगी, ठीक है जी। सो ये जिहड़ा हैगा तुहाडे पास इन्हें पैराबोला बनना है, हाले मैं शिफ्टिंग नहीं कराऊंगा, हले आप सीधा चलिए। सो इस तरह का पैराबोला जिहड़ा है बन जाना है, दोनों पास सिमेट्रिक होंगे, मेरा थोड़ा जिहा ज़्यादा लगता है रफ बनाया हुआ है ना। तो जिहड़ा आ वाली नेचर होगी, तो जे इहदी डोमेन देखोगे, इस तरफ एक्स की वैल्यू कोई भी ले लो, इस तरफ एक्स की वैल्यू कोई भी ले लो, इहदा मतलब डोमेन होंगी एक्स दीआं किहड़ियां वैल्यूज़ आपां भर सकते हैं, माइनस इनफिनिटी तो इनफिनिटी सारियां भर सकते हैं। तो रेंज, रेंज तुहाडे क्वेश्चन तुहाडी हाइट होंदी है, तो रेंज थोड़ी हाइट है, तुसी जीरो तो शुरू की थी हाइट, सो जीरो तुसी लैके चलो इनफिनिटी तक जिन्ना मर्जी उच्चा लै जाओ, सो जीरो तो जड़ा है गया तुहाडे कोल होगा, ठीक है जी। तो ये जड़ा है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, दोनों पासे वाई एक्सिस दे, आ सिंगल पावर है ना, जिहड़ी सिंगल पावर होंदी है उहदे सिमेट्रिक हो जाता। सो ये असी याद रख लेना है। तो दूजा जिहड़ा हैगा तुहाडे पास वह हैगा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। सो वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। सो थोड़ा इधर ज़्यादा बन गया तुहाडे को, ठीक है। सो मतलब कुल मिला के ऐ हुंदा कि तुसी जदों जीरो और वन दे विच हुंदे हो, जीरो और वन दे विच हुंदे हो, तो थोड़ी क्यूब करे तो वैल्यू ज़्यादा नहीं आती। सो जीरो तो वन भी, उस तो बाद तेज, इस तरह जीरो तो माइनस वन, तो जीरो तो वन दे विच ज़्यादा होली जाता है, तो उस तो बाद स्पीड पकड़ लैंदा थोड़े को। तो अगर कोई भी ग्राफ होगा जो जीरो तो वन विच उहदी तुसीं स्केयरिंग या क्यूबिंग करोगे तो वैल्यू घटेगी, हाइट घट होंदी है, जो जीरो तो बाद निकलता फिर वैल्यू थोड़ी चली जाती है थोड़े पास, ठीक है। तो इस केस में तुसीं इधर भी जा सकते हो, तुसीं इधर भी जा सकते हो, तो थोड़ी जिहड़ी डोमेन है वो माइनस इनफिनिटी तो इनफिनिटी है, याद रखना। तो जिहड़ी थोड़ी रेंज है, हाइट कितनी ले सकता ग्राफ, तो हाइट सारी ले सकता, जो एवें ना लिखा हुए तो आल रियल्स भी होंगे। सो रेंज तुसीं नीचे नूं भी जिन्ना मर्जी चले जाओ उत्ते नूं भी, सो ये भी ऑल रियल नंबरस है। सो ये वाली सारी चीज़ होगी। हुण मेन पॉइंट की हैगा तुहाडे कोल, मेन पॉइंट इहदे विच ये है कि अगर असी ईवन फंक्शन कोई, मतलब तुसीं हुण जिहड़ा है इन्हां दोनों तो एक गैस लाउणा है, जिहड़ा वो गैस की हैगा वो चीज़ देखो भाई, अगर मेरे पास वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2n कुछ भी आ जाए, और n पॉजिटिव इंटीजर हो, 1, 2, 3 नेगेटिव तो हेठा लै जूगा ना, तो स्टोरी खत्म हो जू। सो अगर मेरे पास कोई भी इदा का चीज़ आ जाए, मतलब तुम वाई इक्वल टू एक्स स्केयर लै लिया, वाई इज इक्वल टू एक्स 4 लै लिया, वाई इज इक्वल टू एक्स 6 लै लिया, एक्स 8 लै गया, ये कुछ भी इस तरह का आ जाए, तो थोड़ा जिहड़ा ग्राफ है वो इस तरह ही बनेगा। हाँ अगे पिछे थोड़ा जहा हो जाएगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। सारा ग्राफ अगर आप रफली गैस भी करना हो तो असी इस तरह ग्राफ गैस करेंगे थोड़े को, ठीक हो गया जी। तो ये वाला ग्राफ हो गया। सिमिलरली अगर थोड़े को वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 2n माइनस 1 हो गया, एन बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि अगर मैं इतने 1 डालूंगा तो वाई इज इक्वल टू, ठीक है जी, 2n माइनस 1, ठीक है जी, यानी कि ऑड पावर आप ले लिया थोड़े को, ठीक है। तो उस केस विच की होएगा थोड़े को, हुण ध्यान नाल देखियो, अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए, यदा बिल्कुल सिमेट्रिकल ग्राफ है जोड़ा वो क्यूब वाला बनेगा थोड़े को, ठीक है। अगर एन की वैल्यू 1 लोगे फिर तो वाई इज इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी ही आ जाएगा, और ये केस में तुम जो है ये को इतने तो तुम वैल्यूज़ लिया थोड़े को, तो इस केस में भी वैल्यूज़ तुम उस हिसाब न सैट करोगे बी जोड़ा है थोड़े को, बी वाई इज इक्वल टू से इतने 2 भरया तो एक्स क्यूब आ गया, एक्स 5 आ गया, ठीक है, क्योंकि वाई इज इक्वल टू 1 तो आइडेंटिटी फंक्शन रह जाना ना। अगर वाई इज इक्वल टू कला एक्स होया, ये सिंपल एक आइडेंटिटी फंक्शन होंगे,
वाई इज इक्वल टू एक्स, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक है। सो पावर तीन पावर पाँच कुछ इदा का जोड़ा है थोड़े को होएगा। सो नीचे वाली जी नैगेटिव आप नहीं जान देते हाले, क्योंकि नैगेटिव जाए तो कम खराब हो जाएगा। सो ए वाई इज इक्वल टू एक्स तो सिंपली आ है, बट बाकी सारिया जड़िया है तुसी उस तरह बनानी है जिदा तुसी क्यूब वाला बनाया। सो ये तुसी ख्याल रखना, तो मतलब अगर थोड़े को वैल्यू पाँच आ जाए तो इन्हों के केस विच एक चीज़ होंगी है डोमेन भी थोड़ी जी है रियल्स होंगी है, तो जी थोड़ी रेंज भी होंगी है थोड़े को रियल्स होंगी है। सो ये चीज़ का ख्याल रखना, मतलब ये तीन पाँच सत्त कुछ इदा के जोड़े आएंगे थोड़े को, ठीक है, वो होंगे थोड़े को, पर मतलब ऑड पावर रिप्रजेंट करनी है, तुसी इदा कर लो जे तुसी मतलब दो एक्स इदा लिख लो ऑड पावर ज़्यादा बैटर रिप्रजेंट हो जाएगी। हूँ एन वन से भी चल जाएगा, ऑड ही लिखना। सो इदा की टाइप लिख लो, वन करोगे तो तीन आएगा, चल ही इतों पेगा। अगर इस तरह लिखते हो तो फस्ट केस ना लेना, क्योंकि फस्ट केस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स होंगे, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का एक बेसिक ग्राफ होंगे थोड़े को, ठीक है जी। ये मतलब अगर ईवन और ऑड कुछ भी सिचुएशन आ जाए तो इस तरह का ग्राफ बनाओ। बाकी नैक्सट लैक्चर कर दिया, थैंक यू।